बिना कोई नोटिस दिए पिछले 17 साल से काम कर रहे 500 मजदूरों को गोपानी मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया। इस बारे में पूछे जाने पर गोपानी प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं है। रोजगार खोने से 500 मजदूर और उनके परिवार वाले भूखे रहने की नौबत आ गई है। इस बारे में जिलाधिकारी पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार सांसद बालू धनोरकर को ज्ञापन दिया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन सरकार मंत्री लोक प्रतिनिधि की बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए गोपानी के प्रबंधन के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजदूरों ने आज चंद्रपुर में एक एल्गार मोर्चा निकाला। विरोध प्रदर्शन चंद्रपुर शहर की मुख्य सड़क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक चला, लेकिन प्रशासन ने इस आंदोलन को पूर्व परवानगी नहीं होने का कारण देते हुए सभी मजदूर और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एल्गार मोर्चा का नेतृत्व कांग्रेस नेता और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष दिनेश चोखारे ने किया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रबंधन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा कांग्रेस नेता दिनेश चोखारे ने कहा है। अंतर्गत जो गोपानी प्लांट कार्यरत है स्पंजा ने 17 साल से यहाँ पे ये मजदूर कामगार काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं कुछ की कोई सूचना नहीं देते हुए इन 500 लोगों को बाहर किया गया है। हमारी कंपनी से कलेक्टर साहब से पालक मंत्री महोदय से और कामगार मिनिस्टर से पत्र और हुआ है, इनको कोई भी सूचना न देते हुए इनको काम पे बंद किया गया है। हमारी यही प्रशासन और कंपनी से मांग है, जो 500 वर्कर निकाले गए इनको तुरंत कंपनी में शामिल किया जाए। आज यहाँ से हम निकल रहे थे, हम परवानगी पुलिस स्टेशन कलेक्टर ऑफिस में परवानगी मांगी थी, लेकिन उन्होंने परवानगी न देते हुए मैनेजमेंट और प्रशासन की तरफ से मोर्चे का दबाव तंत्र वापर करके आज हमको यह डिटेक्ट किया गया है। हम यही चाहते हैं कि कामगारों को न्याय मिले, इसके लिए जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज इन्होंने डिटेक्ट किया, हम इससे भी तीव्र आंदोलन करके आगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे हमारा।